नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मिक्सिंग बाउल में एक कप रोस्टेड ओट्स लेंगे। अब इसमें हम एक उबला हुआ आलू डालेंगे, इसके साथ आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम दो चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी को एक साथ ना डालकर बारी बारी करके डालेंगे और डो जैसा बनाएंगे। डो अभी रेडी है। अब डो से छोटे छोटे लुई बनाएंगे और इसको टिक्की का शेप देंगे। अब एक तवा लेंगे। तवा गर्म होने के बाद 2-3 ड्रॉप्स ऑयल इसमें ग्रीस करेंगे और टिक्की को रोस्ट करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। टिक्की को दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। टिक्की अभी अच्छी तरह बन गई है। अब हम ओट्स की टिक्की को चटनी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह आप एक बार ओट्स की टिक्की बनाकर जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।